NMCH में फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एग्जामिनेशन कंट्रोलर, वो गत 1 मार्च से लापता है। गांधी सेतु पे उनकी गाड़ी पाई गई थी। साथ पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग, कोई तथ्य, कोई सबूत, कोई दिशा कुछ निर्धारित नहीं हुए हैं। तो ये एक लैप्स है, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया सरकार पे, ये सिर्फ ये कहा कि वहाँ पर कैमरा होना चाहिए क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा, और एक सेंसिटिव ब्रिज अपने आप में एक सेंसिटिव चीज़ है बहुत। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। शेखर सुमन आज पटना पहुंचे हैं अपने कुछ व्यक्तिगत ऐसे, लेकिन मिल गए हमें। शेखर जी, पटना आने का कारण? पटना आने का कारण तो कल मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें मैं बता ही चुका हूं कि हमारे एक करीबी रिश्तेदार हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, जो NMCH में फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एग्जामिनेशन कंट्रोलर, वो गत 1 मार्च से लापता है। गांधी सेतु पे उनकी गाड़ी पाई गई थी। 7:42 पे आखिरी बात अपनी पत्नी से, यानी हमारी चचेरी बहन से की थी। उसके बाद से लगातार पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग, कोई तथ्य, कोई सबूत, कोई दिशा कुछ निर्धारित नहीं हुई। शेखर जी, आपने बिहार सरकार के ऊपर भी थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाया है कि इतने बड़े ब्रिज पर कैमरा नहीं है। वास्तव में ये सच्चाई है, जहाँ से हजारों गाड़ियाँ गुजरती हैं वहाँ कैमरा नहीं है, कि जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ काम कर रही थी उसके कैमरे पे। तो क्या आप मानते हैं कि यदि उसके आगे भी कैमरे लगे रहते तो कुछ तथ्य और सच्चाई और सामने? संभवतः ये तो बिल्कुल सही है, कैमरे लगाए इसलिए जाते हैं ताकि उससे कोई सुराग हमें लीड मिल जाए। इसी बात के लिए तो लगाए जाते हैं कि जो प्रत्यक्ष लोग आंखों से नहीं देख, जो लोग वहाँ चश्मदीद गवाह नहीं है कैमरे की वजह से। आप देखिए कि कैमरे के कारण आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कितने सारे क्राइम जो हैं केसेस वो सॉल्व हुए हैं। तो ये एक लैप्स है, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया सरकार पे, ये सिर्फ ये कहा कि वहाँ पर कैमरा होना चाहिए क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा, और एक सेंसिटिव ब्रिज अपने आप में एक सेंसिटिव चीज़ है बहुत। आप देखिएगा कोई भी टेररिस्ट है या कोई भी इस तरह के जो लोग होते हैं जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका सबसे पहले टारगेट जो है वो ब्रिज होता है। तो वहाँ सिक्योरिटी के हिसाब से कैमरा जो है वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे मैं अचंभित हूँ कि वहाँ इतने सेंसिटिव एरिया में कैमरा क्यों नहीं। शेखर सर, आपने CBI इंक्वायरी की मांग की है, क्या आपको विश्वास है कि बिहार सरकार CBI इंक्वायरी ये देगी? और विश्वास के ही सहारे आगे जा सकते हैं, अगर विश्वास न हो और विश्वास खो दें तो फिर तो इसका कोई निदान ही नहीं है। तो इस विश्वास के साथ कि वो सुनेंगे हमारी बात, और जहाँ तक बिहार की पुलिस का सवाल है, उन्होंने अपना काम जो है पूरी सक्षमता के साथ किया है और पूरी तैयारी के साथ की, लेकिन अफसोस हो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए हमने ये गुहार लगाई है, निवेदन किया है कि अगर CBI जांच अगर हो जाए तो हो सकता है इस केस में कोई सुराग मिल जाए। ठीक है सर, अंतिम सवाल एक, इस कड़ी को जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे मीडिया के सूत्र हैं, इस कड़ी को कहीं इलाहाबाद से जोड़ा जा रहा है? आपकी जो रिश्तेदार हैं अतीक अहमद, जो अभी नहीं वो बहुत एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो तो हमारे जी प्रशांत कुमार जी हैं, जी हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, अब तो DG हो गए हैं, बहुत बड़े पोजीशन में। नहीं वो बहुत दूर का निशान, डॉक्टर साहब बहुत दूर का निशाना लगा रहे हैं, बहुत दूर का निशाना लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना लॉन्ग शॉट, वो कोई वजह हो ही नहीं सकती, वहाँ तक चले गए, वजह यही है कोई, और वजह क्या है वही उनको पता करना है। जैसे अगर वजह पता चल गई, प्रोफेशनल होगा या पर्सनल होगा कुछ भी, वही उनको पता करना है। लेकिन ये इस तरह की थ्योरीज भी पहले उन्होंने कह दी कि सुसाइड है तो बॉडी नहीं मिली, और ये कह देना कि वो कहीं बाबा बनने चले गए, ये भी कोई मायने संभव नहीं है। वजह कुछ और है जो उनको पता करना है, अगर वो चीज़ों को ठीक से खंगालेंगे उनके फ़ोन पे ही मेरे ख्याल से उसका सुराग मिल सकता। अच्छा, है जब वो 7:42 में वहाँ लास्ट कैमरे में दिखे हैं और उनका फ़ोन 2 बजे रात तक काम कर रहा है, तो यदि वो गंगा में, यदि हम मान भी इस बात को लें कि गंगा में छलांग लगाएंगे तो पानी पड़ते ही तो फ़ोन डैमेज हो जाएगा, तो रात के 2 बजे तक फ़ोन वर्क कैसे कर रहा था? वही तो उन्हें पता करना है। ये तो यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि अगर वो फ़ोन मान लीजिए वो साथ नहीं लेके गए, छलांग लगाते तो वो बगैर फ़ोन के लगाते, फ़ोन उन्होंने गाड़ी में छोड़ दी थी, तो गाड़ी में छोड़ के और गाड़ी लॉक थी तो फिर फ़ोन ऑपरेट कौन कर रहा था? इन सब बातों का हमें जवाब चाहिए। बिहार पुलिस ने एक गलती शेखर सर और की है, तुरंत CLF वहाँ पे बुला के कोई मैंने कि गाड़ी को किसने टच किया है, कोई दूसरे लोग किए हैं? पहली गलती तो वहाँ ही हुई है,
है। और एक भयंकर गलती ये है कि फॉरेंसिक जाँच के लिए गाड़ी को तुरंत जब्त कर लिया जाता, रख लिया, वो गाड़ी को भेज दिया उन्होंने और 24 घंटे के बाद बुलाया या 48 घंटे के बाद, तो ये एक बहुत सीरियस लैप्स है। अगर वहाँ अगर गाड़ी को अगर उन्होंने तुरंत अगर फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया होता तो शायद कोई सुराग मिल जाता। जी धन्यवाद शेखर सर।